नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को भाजपा सरकार वाले राज्यों के सीएम के साथ बैठक की है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस मौके को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल, भव्य और व्यापक रूप दिया। इधर इसे लेकर और इसका क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया है कि काशी कॉरिडोर की नींव सपा सरकार ने रखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो दस्तावेज भी देंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी और बयानबाजी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वो जो दावा करते हैं कि वो सब समझते हैं, नाम पूछने पर अपना नाम लाल बुझाकर बताते हैं, पर बातों को ये समझते कितना है ये समझने के लिए रिसर्च की जरूरत है। जनाब नजर भी नहीं आते पर कहते हैं इनकी नजर सभी पर है। हाँ जी लाल बुझाकर जी, आप नजर क्यों नहीं आते? हम आम आदमी ना है मैडम, उस सरजी वाले नहीं, ओरिजिनल वाले। आम आदमी माने की कॉमन मैन। अब आप ही बताइए, कॉमन मैन किसी को कभी भी नजर आया है क्या? है लाइट, कैमरा, एक्शन पड़ता कहाँ है हम पर जो नजर आवे। अच्छा अब ये सब छोड़िए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है ये पता है ना आपको? का बात करती है मैडम, लाल बुझक्कर से कौनो बात छुपल है का? हमको सब पता है। तो बता ही दीजिए कैसे पता है। बताना पड़ेगा मैडम, ये का फेरा है, हमारा बात पर डायरेक्टे कोई विश्वास नहीं करता है। आप पूछी हैं तब बताइए देते हैं, आप भी का याद करेंगी? फिर लगे आप भूमिका बनाने, भूमिका बनाइए मत, सीधे सीधे बताइए। तो सुनिए मैडम, जब धड़ाधड़ उद्घाटन होने लगे, महंगाई, रोजगार और गरीब सब लोग का बात होने लगे, तो समझ लीजिए चुनाव आवे वाला है। जब ई दल का लोग उ दल में और उ दल का लोग ई दल में आने जाने लगे, तब समझ लीजिए कि चुनाव आ रहा है। मैडम जब काम का क्रेडिट लेने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी तगड़ा कंपटीशन होने लगे, तो समझ लीजिए चुनाव दस्तक दे चुका है। मैडम जब मार्केट में लगे सेल के जैसन फ्री फ्री की आवाज आवे लगे, तो समझ लीजिए चुनाव का सायरन बज गया है। जब बोलने का स्तर नीचे गिरने लगे, तो समझ लीजिए चुनाव सर पर है। आलमारी में धूल पाक फाक रहा सफेद रंग का कुर्ता पजामा और बंडी झाड़ पोछ के अगर बाहर निकाल लिया जाए, तो समझ लेना चाहिए मैडम कि चुनाव आ गया है। अब मैडम उत्तर प्रदेश में ना ये सब शुरू हो गया है, इसका मतलब यूपी में चुनाव आ गया है। और बता मैडम कि हमको कैसे पता चला कि यूपी में चुनाव है? नहीं नहीं रहने दीजिए, मेरे भी कान में अब सायरन बजने लगा है। यूपी में चुनाव का मैडम? नहीं नहीं आपकी आवाज का लाल बुझक्कर। आप ना मैडम गजब का बेइज्जती की है हमारा, वो क्या कहते हैं नेवर बिफोर वाला टाइप। चलिए बकवास बंद कीजिए और ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इतने जो उद्घाटन हो रहे हैं, इसके लिए सारे राजनीतिक दलों में चाहे वो भाजपा हो, सपा हो या बसपा, क्रेडिट लेने की होड़ मची है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमको कहने का मौका कहाँ दे रहा है सब मैडम, जब टीविया खोलिए तब यह चल रहा है। कोई कहते हैं हम किए हैं, तब कोई कहते हैं हम शुरू किए थे। क्रेडिट का दंगल है, अब रिजल्ट बतावेगा मैडम कि दंगल में किसका मंगल होता है। क्रेडिट पे ना एक बात और बोले मैडम। बोलिए, बिना बोले आप मानेंगे थोड़े ही। ई तो है मैडम। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं मैडम। ये यूपी में क्रेडिट लेने का जो खेला चल रहा है ना, इसमें अगर कोई मान लीजिए कि गड़बड़ मामला सामने आ जाए तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एक दल कहेगा देखिए गड़बड़ी हमने शुरू की है, तब प्रमुख विपक्षी दल कहेगा इस गड़बड़ी की शुरुआत हमारे समय में हुई थी, जरूरत पड़े तो हम इसके लिए दस्तावेज भी देंगे, तो तीसरा दल कागज पर लिख कर पढ़ेगा ये दोनों गलत बोल रहे हैं, असल में इस गड़बड़ी की फाइल हमने बढ़ाई थी। बकवास बंद कीजिए और दफा हो जाइए। आप कहती हैं तो हो जाते हैं, वैसे ना बोल के पेट अभी भरा नहीं है मैडम,
अभी और ही मौके आएंगे लाल बुझक्कर जी, अभी तो यूपी में चुनाव का माहौल बन रहा है, धीरे धीरे चुनाव जोर पकड़ेगा, माहौल बनेगा, हमारी आगामी विधानसभा चुनाव पर नजर जरूर बनी रहेगी। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।